हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को YouTube चैनल मैथ वाले बाबा के क्लास पर। दोस्तों देखिएगा, बहुत शानदार का क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग रीड करते हैं, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। मतलब कहने का भाव यह है बच्चों कि 24 टर्म्स तक के इन सारे टर्म्स का जो लिस्ट, यानी जो टर्म्स आप बना रहे हो, उसका आपको क्या करना है, सम चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले जिस इस एपी का nth टर्म्स, यानी उस लिस्ट का जो nth टर्म्स है, ये आपके सामने दिया गया है बच्चों। तो इससे आप क्या करिए, सबसे पहले आप उस टर्म को निकाल लीजिए, और उस टर्म को निकालने के बाद आप उस एपी का 24 टर्म का सम निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a1। a1 माने 3 + 2 × 1, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। a2 निकालेंगे जब, तो 3 + 2 × 2, 2 × 4 = 3, 7। ऐसे a3 निकालिए बच्चों, तो 3 + 2 × 3 कितना जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। देखिए ऐसे आपका लिस्ट बनता हुआ चला जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे मतलब ये आपका जो क्या बन रहा है, एक टर्म्स बन रहा है, और टर्म्स यहां लिख देते हैं हम लोग। टर्म्स क्या बन रहा है आपका, टर्म्स बन रहा है 5, 7, 9 ऐसे। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका क्या, टर्म्स बन रहा है। ठीक है ना, 5, 7, 9 ये क्या है आपके, सब टर्म्स क्या हो गए, तैयार हो गए। चलिएगा, आपका टर्म्स तैयार हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इस टर्म का 24 टर्म तक का सम चाहिए आपको। तो यानी S24 आपको चाहिए, इसको लिखेंगे 24 upon 2 × 2a + 24 − 1 × d। ठीक है ना, चलिएगा। अब इसको आप ऐसे कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, a का वैल्यू यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, 5, तो 5 × 2 = 10 प्लस यहां 23, और d का वैल्यू क्या होगा, आप माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिएगा, 12 × 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 46 बच्चों। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई, इसको आप ऐड करिए, 56। अब देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2 12 6 = 72 करिए, 7 12 5 = 60 60 में 7 ऐड करिए, 67। ये आपका रहा दोस्तों आंसर। आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो पॉज करें दोस्तों, और इसको राइट कर लीजिए। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सीखने के लिए मैथ वाले बाबा का चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद, मेहनत करें, खुश रहें।